नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमारी नई म्यूजिक वीडियो बादशाह आपने देख ली होगी, देव नेक्स्ट लेवल की। उस वीडियो के अंदर हमने सारा कुछ 3D रखा है इस बार, तो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे मैंने उस वीडियो को बनाया है, क्या मेरा प्रोसेस रहा था। तो शुरू करने से पहले क्विकली एक बार आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स में दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाके मेरा इंस्टा पेज है, उसे आप फॉलो कर लीजिए। और पोस्ट वगैरह मैं लेटेस्ट डालता रहता हूँ, वहाँ पर आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर पर भी /निर्देशक राव पे जाके मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ जब भी कोई नई वीडियो आने वाली हो। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पे मेरी यूट्यूब चैनल पर आकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे लास्ट में मैंने मेकिंग की वीडियो डाली थी, और भी इस तरह की फुटेज और वीडियोज़ आती रहेंगी। ये करंट वीडियो भी इसी के ऊपर आप देख रहे हैं, और ये मैंने डाली हुई यहाँ पर फ्री स्टॉक फुटेज एस लॉग वगैरह की, आप ग्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए, एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, और फेसबुक पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं वापस माया के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप था गाने को सुनना, मैंने बार बार गाने को सुना, और जो हुक लाइन है बादशाह मैं लूटी हुई रियासत का, उससे मुझे ये आइडिया आया कि मैं एक किंगडम वाला सीन दिखाऊंगा जिसमें एक किंग है जो कि बैठा हुआ है और सब कुछ उसके सामने, जो उसकी रियासत है वो बर्बाद हो रही है। वहाँ पे कुछ वॉर टाइप का सीनेरियो है, कुछ झगड़ा वगैरह, लड़ाई वगैरह चल रही है, और वो बैठ करके देख रहा है उस चीज़ को। वो कंट्रोल भी नहीं कर सकता और कोई एक्शन भी इस टाइम नहीं ले पा रहा, वो सिर्फ वो एनालाइज कर रहा है कि ये चीज सिचुएशन क्या है, और एनालाइज करने के बाद वो अगर कुछ एक्शन ले गया, उस टाइप का एक सिचुएशन मैंने मेरे दिमाग पे अंदर आई। तो वो क्रिएट करने के लिए बेस्ट था कि मैं ये रियल शूट ना करूं, सारा का सारा 3D के अंदर ही बनाऊं। उस रीज़न से मैंने पूरा का पूरा सीन 3D में क्रिएट किया, और मैं इसके अंदर ज़्यादा मोशन भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था सिर्फ कैमरा मोशन हो सिर्फ, और ज़्यादा करेक्टर्स वगैरह का कोई मोशन ना हो, ताकि एक टाइम के अंदर वो फ्रीज टाइम वाली एक फीलिंग आ सके। इसलिए आपने वीडियो में देखा कि सब कुछ जो है स्टिल था, सिर्फ कैमरा मूव कर रहा था। तो सीन सेटअप किया हुआ है मैंने माया में, अगर आप देख सकते हैं ये वही गॉबलेट है। गॉबलेट मैंने इसलिए डाला है कि लास्ट टाइम पे भी ये प्याला आपने पिछली वीडियो में देखा था, जिसके अंदर की ऊपर से खून ड्रिप हो रहा था, तो मैंने एक कनेक्शन बनाने के लिए कि हम वहाँ से आगे बढ़े हैं, ये यहाँ पर मैंने गॉबलेट डाला हुआ है। स्टार्टिंग में ये सोर्ड वाले सीन से शुरू होता है, ये टेक्स्ट है आपने देखा होगा, और यहाँ पे नाम वगैरह आते हैं। अब यहाँ पर जो मेन हमारा करेक्टर था, जो किंग वाला करेक्टर है, उसके लिए मैंने जो है ये फेस क्रिएट किया देव नेक्स्ट लेवल का 3D में। और ये एक मैंने जो मॉडल है नीचे वाला, ये मैंने डाउनलोड किया मिक्सामो और स्केच फैब और अलग अलग वेबसाइट्स जहाँ पे फ्री करेक्टर्स मॉडल वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ से मैंने सारे मॉडल डाउनलोड किए हैं। कुछ क्रिएट किए हैं, कुछ डाउनलोड किए हैं, कुछ में डाउनलोड करके टेक्सचरिंग की है। लाइक ये आप पूरा पीछे कैसल का सीन देख सकते हैं, ये मुझे कहीं पर मिला था फ्री डाउनलोड के लिए स्केच फैब पर, बट इसके अंदर क्या है ये इनकम्प्लीट था, इसमें टेक्सचर नहीं था कहीं पर भी। सारा का सारा मॉडल बना हुआ है बट टेक्सचर नहीं है, तो ये एक टीडियस प्रोसेस था टेक्सचरिंग का इसके अंदर, वो टेक्सचर मैंने इसमें किया। यहाँ पर टेक्सचर आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने टेक्सचर जो है डायरेक्टली अनरियल में किया था। एक बार मैं आपको बाहर से सीन दिखा दूँ, इस तरह से ये इस टाइप का कैसल था, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ कैसल था, बट टेक्सचरिंग ना होने की वजह से थोड़ा वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया टेक्सचर करने का। और ये सिंहासन भी ऐसे कहीं से मैंने डाउनलोड किया, उसमें आप ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पर कोई टेक्सचर लगा हुआ उसको मैंने चेंज किया, इस टेक्सचर को मैंने चेंज कर दिया, ऊपर वाला भी मैंने बाद में रियल में चेंज कर दिया। तो बेसिकली फ्री मॉडल भी अगर आप लेते हैं तो उसको, ताकि वो बिल्कुल सेम ना लगे, इसलिए उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी, मॉडलिंग में चेंजेस, टेक्सचरिंग में चेंजेस करके आप उसको यूनिक बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ों को यहाँ पर प्लेस किया है, कहीं से मैंने सिंहासन लिया, कहीं से ये मॉडल लिया, यहाँ पर इसको क्रिएट करके मैंने फेस बनाया यहाँ पर, ठीक है। ये फेस बनाने के लिए मैंने रियल इमेजेस जो थी देव नेक्स्ट लेवल की वो लेकर के उनको रेफरेंस रख करके ये फेस क्रिएट किया। यहाँ पर जो बाकी के मॉडल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई, और ये आर्चर हो गया, ये मैंने सारे ऐसे ही डाउनलोड किए मॉडल। कुछ मॉडल तो आपको मिक्सामो पे ही मिल जाते हैं, मेरे केस में मुझे कुछ मॉडल, जैसे ये आर्चर का मॉडल है, राइट, एक मिनट मैं इसको आपको पास से दिखा देता हूँ। ये फीमेल आर्चर है, तीरंदाज, इसका मॉडल जो है मुझे मिक्सामो के ऊपर मिल गया था। तो मैं आपको एक बार मिक्सामो पे ये दिखा देता हूँ। mixamo.com पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको ये, यहाँ पर टैब्स हैं करेक्टर और एनिमेशन की, करेक्टर्स पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको ये बहुत सारे करेक्टर्स जो हैं ये मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी करेक्टर आप यहाँ पर ला सकते हैं, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे खुल जाएगा। लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इधर ये लोड हो जाएगा, तो ये करेक्टर आपका लोड हो गया। इसको मैं इस तरह रोटेट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड कैरेक्टर का ऑप्शन भी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप OBJ या FBX फाइल डाल सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ OBJ ही डालें यहाँ पर, FBX हो तो उसके अंदर मटेरियल साथ में एक्सपोर्ट ना किए हों, क्योंकि वरना वो फाइल हैवी हो जाती है, वो सारा यहाँ पर लोडने में टाइम लगता है। तो बेस्ट है कि OBJ यहाँ पर डाल लें, और उसके बाद वो आपको करेक्टर आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ढेर सारी एनिमेशन खुल गई हैं। इनमें से कोई भी एनिमेशन जो आपको चाहिए, मान लीजिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन वाली है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए इस करेक्टर के ऊपर ये एनिमेशन अप्लाई हो गई है, राइट। और मान लीजिए यहाँ पर कोई और देख लेते हैं, जैसे रूम्बा डांसिंग है, मैं रूम्बा डांसिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेशन यहाँ पर आ जाएगी, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अवेलेबल जो एनिमेशन है इसमें हर तरह की हैं, कॉम्बैट की भी हैं, ये जैसे ये गिर रहा है नीचे, डेथ फ्रॉम राइट, अब ये यहाँ पर शायद कुछ शॉट लगा है उसकी वजह से ये गोली लगी और ये नीचे गिर गया, इस टाइप की एनिमेशन है, राइट। ये रन फॉरवर्ड, तो बहुत सारी एनिमेशन यहाँ पर हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सीन्स के अंदर। एनिमेशन एक बार यहाँ पर आपने डाल ली, उसके बाद में आप यहाँ पे आप डाउनलोड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर FBX विद स्किन ये ऑप्शन है। विद स्किन बेसिकली इस करेक्टर की स्किन के साथ ही आपको मिल जाएगी और आप डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे तो आपका करेक्टर विद एनिमेशन आपको मिल जाएगा, राइट। अब ये मैंने एनिमेशन तो कहीं यूज़ की नहीं है तो इसका मुझे बेनिफिट क्या था, पोजेस के लिए मेरे पास ये बड़ी अच्छी रेफरेंस थी। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पोज भी मिल जाएंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप लिखें पोज और एंटर करें तो यहाँ पर कुछ आपको पोज बने हुए मिल जाएंगे, लाइक ये मेल स्टैंडिंग पोज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मान लीजिए किसी पत्थर के ऊपर पैर रख के खड़ा है, उस टाइप का पोज है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। पोजेस के अलावा अगर आप एनिमेटेड वर्जन भी ले जाते हैं तो उसमें क्या है कि मान लीजिए मिड एयर जंप है, कोई छलांग मार रहा है हवा के बीच में और आप चाहते हैं कि आपको अपने सीन के अंदर उसको हवा में रोकना है तो आप जंप वाली एनिमेशन ले लीजिए और जब वो जंप कर रहा है हवा में उस टाइम के फ्रेम को छोड़ के आगे पीछे के फ्रेम डिलीट कर दीजिए, तो उस तरीके से भी आप जो है एक पोज बना सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली यही किया था, कोई भी कॉम्बैट एनिमेशन जैसे हैं उस टाइप की मैंने एनिमेशन ली, मान लीजिए ये एनिमेशन है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये वॉकिंग की है, कोई जंप की हम देख लेते हैं ताकि जैसे ये ले लेते हैं, अभी मिड एयर जंप कर रहा है, मैं यहाँ पर इसे पॉज करता हूँ। अब यह क्या है कि मान लीजिए मुझे ये पोज चाहिए था तो ये 32 नंबर फ्रेम के ऊपर ये पोज है, अब मैं क्या करूँगा इसको एनिमेशन को यहाँ से ले जाऊँगा और अपने माया सॉफ्टवेयर के अंदर आगे के सारे फ्रेम और पीछे के सारे फ्रेम डिलीट कर दूंगा, जो 32 नंबर पे फ्रेम है सिर्फ उसकी मैं उस एक की जो है उसको रख लूँगा तो इस पोज के अंदर मेरे पास करेक्टर आ जाएगा, राइट। तो ये मैंने यहाँ से जो करेक्टर्स अवेलेबल हैं कुछ इसमें से लिए थे, जैसे आपने देख ही लिए हैं ये जो करेक्टर था बो एंड एरो वाला एरिका आर्चर, तो एरिका आर्चर मैंने यहाँ से ली है और भी मैंने यहाँ से कुछ करेक्टर लिए थे मेडिवल टाइप के जो करेक्टर मुझे लगे थे मेरे काम के, लेट मी सी यहाँ पर कोई नज़र आता है मुझे और उनमें से, एक शायद वो करेक्टर था जो नाइट वाला वो यहाँ से लिया था, अभी मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पर कहाँ है वो, एक ये करेक्टर मैंने यहाँ से, ये वाली करेक्टर जो है इससे फायर पावर वाला सीन था जो उसके अंदर इसको यूज़ किया था, एक ये जो पैलाडिन वाला करेक्टर है ये मैंने यहाँ से लिया था, राइट। तो ये मिक्सामो से मैंने ये सारे करेक्टर लिए थे, सिमिलरली और भी मैंने फ्री साइट्स से करेक्टर डाउनलोड किए थे। तो अब इसके ऊपर और समय मैं नहीं लगाऊंगा, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि करेक्टर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री वाले या कहीं पे और भी आपको जो मिल रहे हैं उनको आप यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ से एनिमेट करके उनको ले जा सकते हैं। अगर आपको एनिमेशन चाहिए एनिमेशन यूज़ कर लीजिए, पोज चाहिए तो आप उस एनिमेशन में से एक पोज निकाल सकते हैं। अब आप इस माया में चलते हैं, तो ये कुछ तो मेरे करेक्टर थे जो मुझे चाहिए थे डायनेमिक, यानी कि किसी एक पोज के अंदर जो रियल करेक्टर थे। कुछ मैंने ये स्टैचूज इस्तेमाल किए थे अपनी स्टोरी को समझाने के लिए, तो ये दो तीन स्टैचू के मॉडल हैं यहाँ पर, राइट। और ये मैंने जैसे कि जंप का एक एनिमेशन था उसके बीच में से इसको पोज निकाल लिया रोक करके, ये मैंने खुद पोज किया है। तो ऐसा नहीं कि सारे मैंने मिक्सामो से ही किए हैं, तो ये मैंने खुद इसमें स्केलेटन लगा करके रिक करके इसको और ये पोज क्रिएट किया है। इस तरह से मिक्स है, मतलब कहीं पर पोज क्रिएट किया हुआ है, कहीं पर अब ये वाला जैसे है ये पोज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और ये फायर के लिए क्या किया कि बेसिकली ये सिंपली एक प्लेन है, आप देख रहे हैं इस तरह का मैंने एक बेसिकली स्फीयर को ही बना बना करके इस टाइप के शेप मैंने दे दी। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक यहाँ पर अलग मैश है, एक सेंटर वाली फायर की है और एक इधर की है, और इसके ऊपर मैंने PNG टेक्सचर लगाया आग का यूवी खोल करके, तो देखने में लगता है कि फायर इस तरह से मूव कर रही है। ऐसे मेरा पूरा सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया, सारी ऑब्जेक्ट्स मैंने रख दी, सब चीज़ें कर दी, जिन चीज़ों का मुझे टेक्सचर करना था यहाँ पे मैंने उसे टेक्सचर कर लिया, बाकी सब जो है मैंने काम किया है अनरियल इंजन के अंदर। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अनरियल के अंदर। ये अनरियल इंजन है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं वही ये गॉबलेट है, बट ये देखने में यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और ये अगर पूरा सीन आपको मैं दिखाऊँ इस टाइप से, एक ये मैंने जो फायर है इसको लाइव रखा है,
क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा एलिमेंट ऐसा चाहिए था जो एक्टिव हो, बाकी सारा सीन मैंने फ्रीज रखा है। ये मेरी क्रिएटिव खुद की थिंकिंग थी कि मैं ऐसा दिखाऊंगा। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि फायर भी रुकी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर पूरा का पूरा टाइम रुका हुआ है तो। बट हाँ, टेक्निकलिटी एक अलग चीज़ है और एक क्रिएटिव लिबर्टी अलग चीज़ है। मुझे लग रहा था कि फायर मूव करती हुई अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्टिकल से फायर बनाई है अनरियल इंजन के अंदर, और ये मुझे बढ़िया लग रही थी मूव करती, तो मैंने इसको मूव करते हुए रखा है। ये मशाल की फायर भी मैंने ऐसे ही क्रिएट की है। अब ये पूरा सीन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो इनकी दीवारों के टेक्सचर हैं या वुडन टेक्सचर है, ये पूरा का पूरा कैसल जो है सारा का सारा मैंने अनरियल के अंदर ही टेक्सचर किया है। थोड़ा माया के अंदर मैंने इनके यूवी वगैरह और मटेरियल बनाए थे, उसके बाद जो टेक्सचर्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई किए हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने पूरा पूरा सीन यहाँ पे लाइट किया। लाइट करने के लिए बेसिकली क्या था कि इस सीन के अंदर अगर आप देखें तो ये सारा क्लोज्ड है, ये पूरा जो महल है, राइट। यहाँ पर गेट है, ये भी क्लोज्ड है। सिर्फ लाइट का आने का एक ही रास्ता है, जो सामने आपको बड़ा सा जो ये मिरर वाला एरिया, सॉरी ग्लास वाला एरिया नज़र आ रहा है, तो इसके पीछे मैंने एक यहाँ पर लाइट लगाई है। मैं आपको सीन से थोड़ा बाहर निकल करके दिखा देता हूँ। चलिए, अगर आप ये देखेंगे तो ये बड़ी सी एक जो लाइट है ये इस सीन को लिट कर रही है। कैमरा स्पीड में बढ़ा लेता हूँ ताकि मूव करना मेरे लिए ईजी हो जाए, राइट। और ये बाकी सारा जो फॉग है, ये एटमॉस्फेरिक फॉग ऑन किया हुआ, उसकी वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पर होगा वो, तो ये मैं फॉग यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। ये वो विंडो है, ठीक है। यहाँ पीछे मैंने एक लाइट सोर्स लगाया है, ये लाइट की डायरेक्शन लेफ्ट को रखी है। और ये सिंपली लाइट सोर्स क्या है, ये बेसिकली एक प्लेन है जिसके ऊपर मैंने लाइट मटेरियल बनाकर लगाया हुआ है, एमिसिव मटेरियल, जिससे कि ये सारे सीन के अंदर लाइट यहाँ पर अंदर आ रही है, राइट। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा सीन नज़र आ रहा है। एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग से क्या हो रहा था कि अगर मैं उसे ऑन करता हूँ तो पूरे पूरे एरिया के अंदर एक फॉग फिल हो रही है, जिससे कि ये थोड़ी वॉल्यूमेट्रिक लग रही है चीज़, थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, थोड़ा धुंध वाली फीलिंग आ रही है, राइट। सारी चीज़ों के मैंने टेक्सचर यहाँ पे कॉल कराए हुए हैं। अभी डिटेल इतनी अच्छी क्यों नजर आ रही, क्योंकि जो भी टेक्सचर मैंने कॉल कराया उनके अंदर नॉर्मल मैप वगैरह थे, ठीक है, तो सारे मैप्स के साथ आए हैं, तो ये स्टोन की फीलिंग जो है बिल्कुल स्टोन जैसा लग रहा है। तो नॉर्मल और रफनेस मैप जैसे मैप्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो आग वाला ये था, इसमें भी मैंने एमिशन मैप लगाया हुआ है इसके मटेरियल के अंदर, जिससे कि ये पूरा जैसे लिट लग रहा है, कि फायर जैसी फीलिंग आ रही है, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये सारा यहाँ पर सीन लिट किया। मेन सोर्स ऑफ लाइट ये रहा विंडो वाला, बाकी जो जगह जगह पर ये येलो स्पॉट्स बन रहे हैं, इनके मैंने पॉइंट लाइट लगाई है इन सब जो मशाल के अंदर, क्योंकि जो ये बेसिकली फायर है ये तो पॉलीगन से बनी हुई है। इसके अंदर एक मैंने बस फायर का टेक्सचर लगाया हुआ है, मूविंग जो है स्प्राइट लगाई हुई है, तो रोशनी जो हो रही है इसके अंदर सबके अंदर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सब के अंदर ये बल्ब लगा हुआ दिख रहा है, ये पॉइंट लाइट है। तो मैंने ब्लूप्रिंट में एक्टर के अंदर ये पॉइंट लाइट फिट कर दी, ताकि मैं जहाँ भी कॉपी लूँ ये मुझे पॉइंट लाइट मिल जाए। इस केस में शायद ये बाहर पड़ी होगी, आई थिंक। मैं इसे मूव करता हूँ, देख रखें यहाँ पर जो है, जैसे जहाँ पर भी आग जा रही है साथ में लाइट मूव कर रही है, ये भी बेसिकली ब्लूप्रिंट के अंदर ही है। और ये रियल टाइम इंटरेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ जा रही है उसके हिसाब से शेडोज चेंज हो रही हैं, राइट। तो इस चीज़ की वजह से ये सीन के अंदर जो है पूरी लाइटिंग है इसके मशालों और ये फायर के, जो यहाँ पर ये कॉल्ड्रेंस रखे हुए हैं जो भी बोलते हैं इनको, प्लस मेन सोर्स ऑफ लाइट है ये जो फ्रंट से है, राइट। इसको मैं सिलेक्ट करके, ये प्लेन देख रहे हैं, प्लेन मैंने यहाँ पे लगाया था, इधर ही अंदर ही क्रिएट किया था यहाँ पर अनरियल में। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो बैक से जो हाईली लिट जो था सिनेरियो हट जाता है। प्लेन टू भी एक पीछे है जो कि टॉप से भी मैंने थोड़ी सी लाइट करने के लिए रखा था, तो वो दोनों ऑफ़ करने पे थोड़ी सी जैसे आप देख रहे हैं वो उधर की लाइट गायब हो जाती है। बाकी मैं इनको वापस से ऑन कर देता हूँ, राइट। मुझे हाई इंटेंसिटी लाइट पीछे चाहिए थी। अब क्या है कि नॉर्मली हम कभी इस तरह की लाइटिंग जब हाई लाइट होती है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि पीछे का स्काई नज़र आए जब नॉर्मल शूट करते हैं, बट अगर आप स्काई को दिखाने के हिसाब से शूट करोगे तो यहाँ पर फ्रंट में आपका बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, जो आपने मेन करेक्टर दिखाना था वो दिखाई नहीं देगा, राइट। तो इसलिए ये क्रिएटिव फ्रीडम है ये भी, कि इस केस में हम इसे बर्न नहीं कहेंगे, हम इसको जो है सिनेमैटिक लाइटिंग मानेंगे। अगर किसी केस में आपने पीछे कोई चीज़ है जिसके ऊपर फोकस रखना है और फिर यहाँ पर ऐसे ब्राइट हो जाता है और वो चीज़ ही गायब हो जाती है रोशनी में, तब वो बर्न माना जाएगा, राइट। तो कई लोगों को लगता है कि बहुत टेक्निकलिटी में चले जाते हैं कि ये बर्न हो गया है ऐसा, आपकी चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, आपका फोकस जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पर होना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग। कलर आपको लगना चाहिए देखने में इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ द मेन थिंग, राइट। उसके बाद जो कैमरा एनिमेशन है उसके लिए क्या है कि कैमरा एनिमेशन मैंने सारी माया के अंदर ही की थी। वापस मैं एक बार माया में चलता हूँ। यहाँ पर हम कैमरा वन पे हम आ गए, तो ये आप नीचे कीज़ देख सकते हैं, ये सारा कैमरा मैंने यहाँ पर मूव किया हुआ है। एक बार मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ, राइट।
तो ये जहाँ जहाँ पे कीज़ लगी हुई है सारा मैंने कैमरा एनिमेट किया हुआ है। ऑडियो मैंने यहाँ पर डाल ली थी ताकि मुझे पता हो किस टाइम पे मुझे कहाँ कैमरा लेके जाना है, उसके हिसाब से मैंने सारा कैमरा मूव कर दिया। ये थोड़ा पैरेलल शॉट है बेसिकली, इसमें कुछ नहीं, कैमरा सामने आगे तरफ मूव कर रहा है, प्लस साथ में जो है ये जो फोकल लेंथ है इसकी वो चेंज हो रही है जिसकी वजह से पैरेलल बन रहा है। ये आप लोगों ने जो रियल शूट भी करते हैं तो उसके अंदर भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा डेफिनेटली। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, सिंपली आगे की तरफ मूव हो रहा है बट साथ में इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर चेंज हो रही है। लेट मी चेक, यहाँ पर अगर देखिए आप फोकल लेंथ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँ देख रहे हैं ये इसकी फोकल लेंथ चेंज हो रही है। बाकी केसेस में जैसे 35 है कहीं पे ये 80 रखी हुई मैंने फिक्स रखी है, इस पर्टिकुलर शॉट में मैं फोकल लेंथ को साथ में चेंज कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये पैरेलल टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कैमरा पूरा एनिमेट किया और कैमरा को भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया और मैं अनरियल के अंदर कैमरा लेके आया। यहाँ जो सीक्वेंसर है, अगर मैं कैमरा पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनरियल के अंदर सेम कैमरा पे, और आप ये देख रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पर लाइटिंग जैसे डार्क नज़र आ रही है। उसका रीज़न ये है कि मैंने जो यहाँ पे कैमरा यूज़ किया है ये सिनेम कैमरा यूज़ किया और इसके अंदर मैंने कैमरा की सेटिंग मैं अलग से कर सकता हूँ। तो जैसे रियल वर्ल्ड कैमरा के साथ शूट करते हैं तो उसके अंदर जो भी आपकी सेटिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा इस शॉट के अंदर कि यहाँ पर ये फोकस मैंने शिफ्ट किया था, राइट। तो पहले यहाँ पर फोकस था फिर बाद में वहाँ पर फोकस गया, उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर इसका डेप्थ ऑफ फील्ड की जो सेटिंग है उसको इस्तेमाल किया। ये जो है अगर मैं यहाँ पर आपको ऑन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर ये पहले फोकस में फ्रंट था, फ्रंट वाली स्टैचू जो है, और जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव किया वो देख रहे हैं वो पीछे की तरफ फोकस शिफ्ट हो गया। तो ये पर्पल कलर डिनोट कर रहा है कि कौन सी चीज़ फोकस में है, अभी फ्रंट फोकस में है फिर वो पीछे वाली चीज़ फोकस में आ गई, राइट। तो पर्पल प्लेन जहाँ पर मेरा है वो एरिया मेरा फोकस में, बाकी सारा मेरा आउट ऑफ फोकस है। तो ये एक चीज़ थी, और यहाँ पर जो है रियल टाइम में जो है अभी ये जैसे यहाँ पर सब कुछ टोटली फोकस में नज़र आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी स्टिल रोका हुआ है। अगर मैं प्ले करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि पीछे वाला बैकग्राउंड ब्लर्ड है, ये प्ले करने में आपको दिख रहा है ब्लर है। तो यहाँ से वहाँ फोकस शिफ्ट किया, इस तरह से मैंने जो भी मेरे रियल वर्ल्ड कैमरा के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सब मैं यहाँ पर कर सकता था सिनेमा कैमरा में, वो सब मैंने यहाँ पर किया और इस तरह की सिनेमेटिक फुटेज मैंने कैमरा मोशन मैंने तैयार कर लिया। आफ्टर दैट कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपली बस यहाँ पर ये जो बटन बना होता है रेंडर का, इस पर क्लिक करके और आप इसका मूवी रेंडर कर सकते हैं, वो मैंने कर दिया। और इसमें क्या है कि जब आपके कट लगते हैं यहाँ पर, तो जिस एरिया में जाकर के कट लगता है वहाँ पर कई बार जंप आ जाता है, 2-3 फ्रेम मिस हो जाते हैं या मोशन ब्लर आ जाता है, तो वो मुझे बाद में एडिट करना पड़ा, वो मैंने डाविंची रिजॉल्व में जाकर एडिट कर लिया। थोड़ी बहुत वहाँ पे कलर ग्रेडिंग भी मैंने की थी, मोस्टली तो मेरे को कलर ठीक ही थे जो मुझे रखने थे, मैंने लाइटिंग वैसी ही की थी, बाकी थोड़ा मैंने उसको एनहांस करने के लिए थोड़ा टील एंड ऑरेंज वाली तरफ थोड़ा उसको ज़्यादा पुश कर दिया डाविंची रिजॉल्व में और रेंडर कर दिया। इस तरह से जो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई, होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा तरीका काम करने का, कि अगर आप जो है ज़रा रियल शूट नहीं कर सकते हो आप पूरा पूरा भी 3D में बना सकते हैं, इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ मतलब लेकिन ये है कि आपको कई बार चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं, सब कुछ आपको फ्री डाउनलोड में नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ जाती है मॉडलिंग वगैरह की, टेक्सचरिंग की। और मैं वैसे भी रिकमेंड करता हूँ कभी भी फ्री डाउनलोड वाली चीज़ को डायरेक्टली एज इट इज़ यूज़ ना करें, उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिटिंग करें, कुछ उसके टेक्सचर बदल दें, है ना, उसके अंदर कुछ मॉडलिंग के अंदर चेंज कर दें ताकि वो चीज़ आपकी यूनिक हो जाए, आपकी अपनी हो जाए, राइट। आप अपने तरीके से अपनी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, ऐसा डायरेक्टली किसी की लेकर के शो करने का तो कोई लॉजिक नहीं है। आपकी कहानी के अंदर वो जैसे फिट होती है वैसे फिट करें। अब मैंने कोई सिंगल मॉडल यूज़ नहीं किया, मैंने अलग अलग जगह से मॉडल लिए, कुछ मॉडल मैंने क्रिएट कर लिए, है ना, और उनकी टेक्सचरिंग वगैरह मैंने चेंज कर दी, तो मेरी पर्टिकुलर जो स्टोरी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें फिट हो गई एक साथ, ठीक। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये वीडियो को कंप्लीट किया है। कोई क्वेश्चन हो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। और जो है आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो मुझे बताएं, मैं इस तरह की और वीडियोस लेकर के आऊँगा इनसाइट वाली डेफिनेटली। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगते हैं तो मैं इस तरह की और चीज़ें बनाऊँगा इस चैनल के ऊपर, फिल करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल निर्देशक राव को यूट्यूब पर, और बाकी भी मेरे यहाँ सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर जाकर के आप लाइक फॉलो वगैरह सब कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।